જીવન જીવવાનું છે એટલે જીવો છો કે વિતાવવું પડે છે? એક મૂંઝવણમાં માર્ગ ના મળે અને પગરવ ત્યાં નવા દુખના થાય છે। પ્રત્યેક સમસ્યાનો પર્યાય સંઘર્ષ અને સમાધાન જ છે। પણ શું આપ ઈચ્છો છો કે સમયના પ્રકરણ તમારી મરજીને આધીન હોય? તો જીવનના પાના ખુશીઓના રંગથી લખશે લાલ કિતાબ। नमस्कार मित्रों, हूँ हरिवर्धन चौकसी, आप सबनु स्वागत करूँ। मित्रों, आज वीडियो में आपनों खूब खूब स्वागत। मित्रों, रोजनी जेम आज आपने जो है कि भाई आजनो दिवस केवो, तो मित्रों आज तारीख 28/10/2023 शनिवार। तो मित्रों, रोजनी जेम आजनी शुरुआत पण शुभ रंग थी करिए। आजनो शुभ रंग छे हल्को राखोड़ी। राखोड़ी कलर आज तमने सपोर्ट करी जाए। आजना अनुकूल देवता शनिदेव, हनुमान अने माँ जगदम्बा। आजनी शुभ धातु लोखंड अने सीसु। आजे शरीर में प्रभावित थनारू अंग अपना शरीर ना मसल्स। आजनो शुभ पदार्थ गोल सरसवनु तेल अने लाल चंदन। आजनु शुभ अन्न घऊ अने काड़ा अड़द। आजनु शुभ द्रव्य अड़सी अने सरसवनु तेल। आजनु भाग्यवर्धक पुष्प लाल करेण अने आजनी भाग्यवर्धक सुगंध गुलाब अने केसर। तो मित्रों, हवे जो आपने कि आज ग्रहों अपना माटे शूँ लाइवा। सूर्य, सूर्य आज दसमा स्थान में गोचर करता देखाय। तो मित्रों, आज पिता सुख में कमी आए, पितानी साथे वाद विवाद थई शके, पितानी तबियत बगड़ी सके, तो आज आ बधी बाबतों पर ध्यान आपजो। तड़का में निकलो तो माथा पर टोपी नाखीने निकलजो, लाइट कलर नी, नुकसान नहीं थाय। चंद्रमा, चंद्रमा आज बीजा स्थान में गोचर करता देखाय। तो मित्रों, आज माता तबियत बगड़ेली हो तो एमां सुधार आए। हाँ, आज है वधारे पड़ता विचारों आवशे, एनी पर कंट्रोल अवश्य करजो। आजे तमारे मांसमदिरानुं सेवन नथी करवानुं, नहीं तो संतानोने कष्ट पड़े अने माताने पण कष्ट पड़े। आजे मित्रों चांदीनी गिफ्ट कोईने आपता नहीं। मंगल, मंगल आजे सातमा भावमां गोचर करता देखाय छे। तो मित्रों, आजे भाई साथे वाद विवाद नथी करवानो। अने आजे जो अपना घरे बेन दीकरी होय, मासी आवा कोई पात्र आवीने रोकाय ने, तो तमने पण नुकसान अने एमने पण नुकसान, बन्ने परिवार में कई नानी मोटी समस्याओनो सामनो करवो पड़े। तो बने त्यां सुधी आजे आवा पात्र न आववा जोईए, न आपणे एवा पात्रना रूपे कोईने त्यां जवुं जोईए। आजे कोई पण प्रकारना वाद विवाद थी दूर रहेशो तो फायदो थशे। गुरु, गुरु आजे पांचमा स्थानमां गोचर करे छे। तो मित्रों, आजे बने त्यां सुधी पिता साथे वाद विवाद टाळजो, अने कोई भणतरनो काम होय संतानोने लगतुं तो एनी पर पूरतुं ध्यान आपजो। अने मित्रों, आजे छे ने ऊंडा पाणीमां स्नान करवा नहीं पड़ता। फायदा माटे नजीकना कोई मंदिरमां जईने थोड़ी साफ सफाई करी लेजो, भगवान बधी बाबतोमां फायदो आपशे। शुक्र, शुक्र आजे 11मा भावमां गोचर करता देखाय। तो मित्रों, आजे छे ने आपणे पैसो ने स्त्री आ बे बाबत में साचवीने चालवू पड़े। आज शनिवार छे ने शुक्र 11मा स्थान में गोचर करे छे, तो आपणे आ बाबत में क्यांक लपसी पड़िए ने नुकसान करिए, तो आज आ बाबत में पूरी सावधानी राखजो। अने मगजने पहले थी कसी राखजो कि मारे आ बाबत में दूर रहेवानो। आजे कोई एवं काम न थई जाए कि जे पाछळथी पछतावानो रूप आपणे जोवू पड़े। शनि, शनि आज 12मा स्थान में है। तो मित्रों, आज कोई प्रॉपर्टी अंगेनु काम हे तो ये सरळताथी पतशे। नवी लेवी है तो तैयार प्रॉपर्टी जोवा मळशे, नक्की करी शको छो। पण आज मांस मदिरा ने उत्तेजित पदार्थों ने जो जीवन में उमेरा तो मळनारा सुख ने गुमावी शको छो। राहु, राहु आज 6ठा स्थान में गोचर करे। 6ठा स्थान नो राहु लाल किताब प्रमाणे उच्चनो कहेवाय। तो आजे छे ने आपणा मगजनो पारो चढ़ी शके छे, आपणे आपणी संपत्तिनुं पैसानुं अभिमान आवी शके छे। आ नथी करवानुं, आने पूरतुं ध्यानमां राखजो, नहीं तो आवेशमां आवीने खोटुं काम करो ने बदनामी सहन करवी पड़े। हाँ, आजे एक फायदो छे, तमारो दुश्मन तमने नुकसान नहीं पहुंचाड़ी सके। केतु, केतु आज 5मा स्थान में गोचर करे छे। तो मित्रों, आज पिता साथे वाद विवाद न करवो, पितानी साथे कोई खोटू वर्तन न करवो, आजे नीचला स्तरना लोकोथी दूर रहेशो एटलो फायदो थशे, नहीं तो बदनामी लखायेली छे। तो
ચોક્કસ માતાના આશીર્વાદ લેજો અને કૂતરાને ભોજન નાખજો તો ફાયદો જરૂર થશે. તો મિત્રો, આ તો તમારા માટે આજનો દિવસ કેવો એનું સંપૂર્ણ વર્ણન. તો આજનો વિડીયો ગમ્યો તો લાઈક કરો, શેર કરો, યુટ્યુબ જોનારા શેર કરે અને સબસ્ક્રાઈબ કરે. હું હરિવર્ધન ચોકસી આપ સૌની રજા લો. ફરી મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી જાણકારી સાથે. તો ચાલો બદલીએ જઈએ. નમસ્તે.